इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट हाजिर है आप सभी लोगों की सेवा में दोस्तों, और महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तमाम जो लाइव देख रहे दोस्तों यूट्यूब पर और वेबएक्स पे, हमारे जो प्यारे प्यारे दर्शक है, ऑडियंस है, हमारे वेल विशर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, तमाम लोगों का मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा इस खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूँ। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरों पर हर पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना कि महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस ने ये पहले 28 मार्च, पिछले 28 मार्च से अभी तक लगातार हम डेली वेबिनार कर रहे थे, लेकिन अब हमें जरूरत लगी और लोगों की डिमांड्स के हिसाब से हमने हफ्ते में 3 दिन किया ये, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, लोग अवेयर हो, एजुकेट हो, और ये एक जबरदस्त नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है महासेवा के इस तरह के फ्री वेबिनार, जिसमें अलग अलग विषय के लोग आते हैं और कुछ राजनीतिक मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और काफी सुभाष देसाई साहब, बड़े बड़े लोग अवेयर और नॉलेज शेयरिंग का इस कोरोना काल में पिछले 6 महीने से ऊपर हमें हो गए, तो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों। तो मैं एक घोषणा ये है, सूचना ये है आप सभी लोगों के लिए कि हफ्ते में हम 3 दिन मुलाकात करेंगे दोस्तों। 3 दिन कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है। मंडे सोमवार को, बुधवार वेनेसडे और फ्राइडे शुक्रवार को हम हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे और अलग अलग विषय मिलेंगे। तो आज का विषय मंडे है तो आरटीआई एंड सोशल ऑडिट का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, और वेनेसडे को हम विनोद संपत, एडवोकेट विनोद संपत जी से मिलेंगे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, और फ्राइडे को भी मिलेंगे एक हमारे अलग विषय को लेकर, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज का जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, उसके बारे में आरटीआई और सोशल ऑडिट, जो ये जो वेबिनार है ये ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, जायंट इंटरनेशनल और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस ने मिलकर दोस्तों। तो इसमें आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। हरिराम चौधरी जी जायंट्स के हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट हरिराम चौधरी जी, बड़े ही कुछ हम लोग ऐसी उम्र में भी, 80 साल की उम्र में हरिराम चौधरी जी का जो जज्बा है वो तारीफ काबिल है, उनका मैं स्वागत करता हूँ हरिराम चौधरी जी का, और जायंट्स की तरफ से उनको इन्वाइट करूंगा। लेकिन मैं इसके पहले हमारी जो आज की कीनोट स्पीकर हैं, आरटीआई पर जो बात करेंगे, आरटीआई पर जो बात करेंगी विनीता देशमुख जी, और सोशल ऑडिट पे बात करेंगे भास्कर प्रभु जी, तो दोनों हमारे कीनोट स्पीकर हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों का स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। उसके बाद इन्वाइट करूंगा मैं दोस्तों हमारे जो हरिराम चौधरी जी जॉइंट्स की तरफ से, वो बताएंगे हमारे कीनोट स्पीकर दोनों जो कितना उनका जीवन इस आरटीआई के लिए और सोशल ऑडिट पर बीता है, वो तमाम सामाजिक अवेयरनेस कर रहे हैं हमारे दोनों आज के कीनोट स्पीकर विनीता जी और भास्कर प्रभु जी। तो विनीता जी का स्वागत करता हूँ बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में कि नारी गौरव है अभिमान है, नारी गौरव है अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी गौरव है अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, और हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। ऐसी नारी शक्ति का रिप्रेजेंट करने वाली प्रतिभा पाटिल और काफी बड़ी बड़ी लेडीज हुई, लेकिन विनीता जी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है आरटीआई के बारे में, हमारे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में, तो उनका भी नारी शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं महासेवा, और तमाम जो हमारे विवेक पे प्यारे प्यारे दर्शक है लाइव जो देख रहे हैं, तमाम उनकी तरफ से सैल्यूट है ऐसी लेडीज को। और हमारे जो दूसरे कीनोट स्पीकर है भास्कर प्रभु जी, वो जुड़े हुए हैं, तो उनका भी खूब स्वागत है। तो स्वागत है विनीता जी का, और आगे मैं इनवाइट करूं हमारे हरिराम चौधरी जी को, उसके पहले बड़ी खूबसूरत लाइन आज आरटीआई के बारे में दोस्तों, जो आरटीआई के जो प्रहरी होते हैं, जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं काफी देश भर में सैकड़ों हजारों की संख्या में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं दोस्तों, और आप भी कैसे आरटीआई एज ए एक्टिविस्ट बन सकते हैं, आपको आरटीआई कैसे निकालनी है, इसकी जानकारी महासेवा और जायंट इंटरनेशनल हरिराम चौधरी जी हम लोग मिलकर पिछले 5 साल से कर रहे हैं। कैसे आपको, आपको जब तक न्याय नहीं मिल जाता, आरटीआई के माध्यम से जानकारी नहीं मिल जाती, शुरू से आखिरी तक जुड़े रहेंगे हमारे हरिराम चौधरी जी आपको न्याय दिलवाने के लिए, तो
और किस तरह से ड्राफ्ट करना, क्या ड्राफ्ट होगा, क्या शब्द की टेक्निकली लैंग्वेज होगी ताकि आपको अधिकारी आरटीआई देने पर मजबूर हो जाए। तो इस तरह का मजबूत कानून है आरटीआई, सूचना का अधिकार। तो इसके बारे में मैं यही आप सभी लोगों से कहूंगा, और विनीता जी को भी बड़ी खूबसूरत लाइन से स्वागत करूंगा कि बदलाव के लिए एक पल काफी है, बदलाव चेंज, बदलाव के लिए एक पल काफी है, एक पल एक दिन को बदल सकता है। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है। इस खूबसूरत लाइन से हरिराम चौधरी जी प्लीज वेलकम, आप आए और हमारे जो कीनोट स्पीकर है उनके बारे में बताएं और उनको इनवाइट करें। जी हरिराम जी, धन्यवाद सुनील जी। मैं महासेवा की तरफ से, जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से और एमएनएस मीडिया की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं विनीता देशमुख जी और भास्कर प्रभु जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और महासेवा का जो जॉइंट पार्टनरशिप है, 5 साल से हम लोग अवेयरनेस के लिए प्री लेक्चर पहले फिजिकल रखते थे, अब हम ऑनलाइन रखते आ रहे हैं। और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जब से जो आरटीआई आया था 2005 में, तब से हम कई पब्लिक लेक्चर लगातार करते आ रहे हैं। और शैलेश गांधी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हम लोग ये अवेयरनेस के लिए लगातार 15 साल से करते आ रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है विनीता जी देशमुख जो कितना आरटीआई में इन्वॉल्व है, जब मैं इनका बायोडाटा आपको बताऊंगा तब मालूम पड़ेगा कि ये डूबी हुई है कितना उन्होंने इन्वॉल्व है। और साथ ही भास्कर प्रभु जी, आज सोशल ऑडिट जो एक नया सब्जेक्ट है अपने लोगों के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो अब मैं पहले जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के लिए खाली 1 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं विनीता जी के बारे में बताऊंगा। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन की 600 ब्रांचेज है पूरे ऑल इंडिया में, और मैं ऑल इंडिया में उनका मीडिया कमेटी चेयरमैन हूँ और आरटीआई कमेटी चेयरमैन हूँ। इस नाते ये आरटीआई का प्रोग्राम जायंट्स वेलफेयर की तरफ से एज ए पीआरओ में आप सबका स्वागत करता हूँ। और अब मैं विनीता जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि विनीता जी जो है, सी इज प्रेजेंटली कंसल्टिंग एडिटर ऑफ पॉपुलर या बिजनेस मैगजीन कॉरपोरेट सिटीजन। सी इज ऑल्सो द कंसल्टिंग एडिटर ऑफ मनी लाइफ, वेयर इन सी हैज ए वीकली कॉलम एवरी वेडनेसडे ऑन स्टोरी बेस्ड ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, मनी लाइफ फाउंडेशन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उनके साथ में हर वेडनेसडे को उनका उनका आर्टिकल आता है। हर लॉन्गेस्ट टेन्यूअर हैज बीन विद द लीडिंग नेशनल इंग्लिश डेली डेली न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम 1988 to 2006, यानी कि 18 साल। तो वहाँ पे वो उन्होंने एक्सटेंसिवली डेवल्ड इनटू पब्लिक जर्नलिज्म। अब वनिता जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, फॉर द लास्ट 31 ईयर्स वन मेनी अवार्ड्स। और अब मैं एज एन ऑथर उन्होंने क्या किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। विनीता इज ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, ऑथर द बेस्ट सेलर नॉन फिक्शन बुक टू द लास्ट बुलेट और विनीता कामटे। जब अपना 26/11 जब अटैक हुआ था तो विनीता कामटे उन्होंने ये बुक लिखी थी। और जो अशोक कामटे जी थे, ही टूक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट विनीता जो यानी जो उनकी जो वाइफ थी, वो टूक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर हर पुलिस ऑफिसर हस्बैंड एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे हु वाज किल्ड इन एक्शन इन 26/11 मुंबई टेरर अटैक। इन दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2000। सी हैज ऑथर्ड मेनी अदर बुक्स ऑल्सो। मैं अगर लॉन्ग लिस्ट पढ़ने को जाऊंगा तो मुझे 10 मिनट भी कम लगेंगे। नाउ एज एन एक्टिविस्ट सी इज प्रेजेंटली कैंपेनिंग अगेंस्ट द आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019 में कुछ वो डायल्यूट करना चाहते हैं इसके बारे में विद अदर आरटीआई एक्टिविस्ट। वो सी इज रेगुलरली कैंपेनिंग अगेंस्ट दिस एक्ट। नाउ सी इज इन चार्ज ऑफ आरटीआई सेंटर ऑफ मनी लाइफ इन पुणे एंड holds RTI workshop regularly. Today she will speak on RTI Right to Information Act. जहाँ तक भास्कर प्रभु जी का सवाल है वो सोशल ऑडिट पे बोलेंगे, उनका इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा। तो अभी मैं विनीता जी से आग्रह करूँगा कि वो अपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में अपना प्रोफेशन इंग्लिश दोनों में बोलेगी, दोनों मिक्स रहेगा। तो विनीता जी आप जैसा चाहें जैसा आप बोल सकती हैं। विनीता देशमुख जी नमस्ते everybody and thank you for a very nice intro of womanhood. I appreciate that. और मुझे तो हरिराम जी ने लास्ट मोमेंट को मुझे पता चला कि मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिए, जरा कुछ मेरा ग्रामर या सेंटेंसेस
यहाँ वहाँ हो जाए तो, लेकिन आरटीआई एक्ट मेरा पैशन है तो मैं शुरू करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलूंगी, कभी कभी मैं इंग्लिश में बोलूँ। सो आरटीआई एक्ट जो है, जो 2005 में आया, तब तक उसका सब बोलते हैं कि दिस इज द सेकेंड फ्रीडम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1947 में फ्रीडम तो आया, इंडिपेंडेंस तो मिला, लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1932 था, ब्रिटिशर्स था, जहां पे देयर वुड बी नो ट्रांसपेरेंसी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ नहीं सकते गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, वो वैसा ही वैसा वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2005 तक चला। दूसरी बात ये है कि आरटीआई एक्ट इज द ओनली लॉ विच इज सिटीजन सेंट्रिक, यानी बाकी सो जब लॉज है कि ट्रैफिक वायलेशन हो तो हमको ही दंड मिलता है, इनकम टैक्स मत भरो तो हमको ही दंड मिलता है, तो जो भी आप कायदा देखो तो वो अगेंस्ट द सिटीजन है, यानी कि सिटीजन को मॉनिटर करता है, ऐसा ऐसे सब सारे लॉज है। सो 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया, दैट इज द ओनली सिटीजन फ्रेंडली लॉ इन विच वी कैन डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। The citizen has a right to enter into a government office, demand the files regarding any issue. तो और यदि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं देता है तो उनको पेनल्टी भी हो सकती है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ पहली बार 2005 में आया। मैं जर्नलिस्ट थी इंडियन एक्सप्रेस में, और तभी एक चिट्ठी आई इंडियन एक्सप्रेस एडिटर को, एवरी वेडनेसडे इंडियन एक्सप्रेस आरटीआई एक्ट के बारे में फुल पेज छपाते थे हमारे एडिटर प्रकाश करदरे। तो एक जो येरवडा प्रिजन में एक क्रिमिनल था जिसने उसके फ्रेंड की हत्या की थी, इसलिए उसको लाइफ सेंटेंस था, तो उसने वो रोज हर वेडनेसडे को वो पेज पढ़ता था। उसने क्या किया कि वो ओपन प्रिजन में था बिकॉज ही हैड गुड डिसिप्लिन, बट ही started an agitation against bad quality food in Yerravada, and so he decided he was thrown into the closed jail. बिना कुछ इंफॉर्मेशन देके, बिना कोई रीजन देके उसको क्लोज जेल में डाला। इसलिए उसने आरटीआई एक्ट डाला कि मुझे कॉपी चाहिए 1964 इंडियन प्रिजन मैनुअल एक्ट, आरटीआई एप्लीकेशन लिख के उसको सारी वो कॉपी इंडियन प्रिजन मैनुअल एक्ट की दे दी। पावर ऑफ द आरटीआई एक्ट इज दैट वेदर यू आर अ पुअर, यू आर अ प्रिजनर, यू आर अ क्रिमिनल, यू आर फेमस, यू आर अ मिडिल क्लास, यू आर फेसलेस, इट डजंट मैटर, बट यू हैव द राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन। बोला कि आई शुड बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस सेक्शंस ऑफ द आरटीआई एक्ट, सो आई विल जस्ट इंटरस्पर्स सेक्शंस एज वेल एज एनेक्डोट्स। So let me go. How do you put an RTA application? And the way to do it, of course, is under Section 6. So under Section 6, you have to file an application under a certain format. Only for some states, in Maharashtra state, there is a form which you can get anywhere from the Google, and then within 30 days, you are the public information officer. Who is the officer appointed? It is an additional duty who has been appointed to take your RTA applications and give you information. तो PIO के PIO को वो फॉर्म दे देना, और 30 दिन में उनको वो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं आई, अधूरी आई, या जो इंफॉर्मेशन आई आपको लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है, तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है, जो वो डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी जो हम बोलते हैं, वो पीआईओ से जरा सीनियर होता है। तो उसके पास जब जाता है आपका फर्स्ट अपील, तो उसको 45 डेज दे जाता है कंडक्ट हियरिंग एंड गिव यू इंफॉर्मेशन। लेकिन यदि 45 डेज में उन्होंने नहीं दिया, तो आप सेकेंड अपील कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आपके जोन के उधर जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द आरटीआई एक्ट में दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी।
कि ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर में सेकेंड अपील जाता है कभी कभी 2 बरस 3 बरस भी लग जाते हैं. सो द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट हैज लॉस्ट ऑल इट्स रेलेवेंस. तो क्या कर सकते हैं? लेकिन हमने जो सब पढ़े, शैलेश जी भी है, सब हमने जो पढ़ा है आरटीआई एक्ट, उसमें सेक्शन 4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है. सेक्शन 4 इन विच यू डोंट हैव टू गिव अ आरटीआई एप्लीकेशन. All you need is that during the working hours of any office, you can walk into it and demand the documents. Now, how did I do it? I must give you 2 examples. One is that when Dow Chemicals was coming on the suburbs of Pune, at that time, it had issued a full-page advertisement saying that they are coming as a research center. They will not use any chemicals. They will enhance the environment. And they will give jobs to 650 scientists and engineers. However, some in one day, at that time I was the editor of Intelligent Pune, and some villagers came to that the factory shouldn't be coming. The factory should not be coming there because it is the sister concern of the Union Carbide, which was responsible for the Bhopal gas tragedy. So I told them, you know, as a journalist, I need to find out more, and I cannot say this just by this past reputation of theirs. So I decided for the first time that I should use Section 4. So I went to the office of the MPCB and met the regional manager and requested for documents on the clearance certificate that they had given for Dow Chemicals to come here. Initially, the regional manager was a bit hesitant, but when I explained to him, he respected it and he asked his junior to give So Dow Chemicals was like the first, my first experience at Section 4. And how, because when I sent it to the experts, they analyzed that a Bhopal gas kind of a factory is definitely going to come here. So I educated the villagers. There was a campaign, and can you believe it that after 1.5 years, the Dow Chemicals returned the 100 acres of land back to the collector and left Pune. Okay, this is the power of RTI, because once you get information, you can fight. If you don't get information and only protest, nobody listens to you. The same thing about Pratibha Patil, who is then the president of India. Now, a Colonel Patil in Pune found out, applied RTI application in the Home Ministry to ask that after retirement, what is the house that is eligible for a president of India. He asked this because he saw that there was a huge construction going on in Khadki, and apparently it was the post-retirement home of President Pratibha Patil. So when he asked that, when he put that application, he got a reply saying that any retired president of India can get only 4,500 square feet of land. Constructed house, a government house, anywhere in India. But our lady was building her mansion on 2,60,000 square feet in Khadki cantonment, which was A1 military land. So taking from there, I wrote in Money Life, my first article, and I got emails from all over the world saying that they are ready to fund me to carry out this campaign. Of course, I didn't need any funds, but the next 12 to 14 days, I kept on writing, getting my RTI documents from Southern Command, Defense State Office, and even from a Delhi connection from the President's Secretariat, which clearly mentioned that nobody had approved of this house. So Sucheta Dalal, who's our editor, and Debashish Basu, each day when I wrote a story, they used to just, amplify it in the social media. And could you believe that on the 14th day, Madam Pratibha Patil has actually returned the land back. And today she's staying in Pune in a 5,000 square feet home. So that is the power of RTI. And I wrote a book called The Mighty Fall, the Marathi version of which was given the Acharya Atre Award. Now, everybody doesn't have to break any national scandals. RTI is just meant for your issue, because your issue reflects the social issue. How? Let's take the case of Bhadresh Vamza. In 2012,
One day he read that the certain amount of ration has been distributed to certain ration shops in that his tehsil. But he realized that since 1 or 2 years, not a single villager was getting that ration. So he applied under the section 6, and of course he was threatened by the grocer and other people. So an NGO told him to do inspection of files in the tehsildar office. When he did that, when he used the section 4, he found that 1080 kgs of wheat, rice was supplied to him, plus an additional Diwali kgs were supplied to him between August and January 2012. However, not a single villager had received. So the food supplies department carried out an inspection and randomly found that none had received it. Thereafter, because of his campaign, the food supplies department issued an order that all the ration card shops should put up on a blackboard their weekly quota that they have received. The CIC also gave such an order. And finally, today, all over Gujarat, transparency is there in the ration shops. Okay, why him? Let's take the case of Aishwarya. Aishwarya is a school girl at that time, about 8-10 years back, and she in Lucknow. However, in front of the school, there was a bad public dump yard, which used to become worse during the monsoons. So then her auntie, who was an activist, asked her to give an RTI asking as to what is the land use of that particular plot. And it came to be known through RTI reply that it was for a public library. So she wrote to the municipal commissioner requesting that a public library be made, and lo and behold, today a public library stands there. So that is the point of RTI. You know, RTI Act is maligned. You know, you'll definitely have heard people saying that, oh, they're these blackmailers only who use the RTI Act, who misuse it. You know, every act is misused. And in this case, the misuse is because according to Section 4, all government departments, which are called public authorities, have to put out most of the information on the website even before a citizen asks under RTI. If they do it, if they followed 100% the Section 4 suo mulo disclosure norms, then the 99%, no citizen would have to put up RTI. But you know, they want to hide everything because their tenders, their contracts, their appointments, their concessions, all of them are questionable and are filled with financial irregularities. And then when somebody asks information on that, they would just shrug it off by saying that he's a blackmailer. Despite, it's very sad that despite Shailesh Gandhi has done so many, has given so many orders to this effect of suo motu disclosures. However, there's a nexus of all these contractors, politicians, and administration, and the citizen is left to go on applying for information under the RTI Act. Then I don't want to go into Section 8, because Section 8 is some of the clauses wherein you cannot be given information. However, the PIOs, that is public information officers, take advantage and keep on denying you information under Section 8. Let's take one of the popular RTIs. A Mumbai citizen asked under RTI whether Sachin Tendulkar has, paid for his property tax and how much is it. So there is a clause called third party in which, you know, you can bounce that request to the person about whom the information is being asked, and Sachin Tendulkar said, no, you cannot give information. And the PIO submitted to that and did not give. However, property tax, it's a public information and there's nothing private about it. But this is what the PIOs are doing, who unfortunately are not working to their capacity. And it is only when we get information commissioners like Shailesh Gandhi or Rahul Singh of Madhya Pradesh, who's now doing Facebook Live
of all his CIC hearings. We had Mr. Vijay Kumrekar, who was a very well-known journalist, and he was the Pune Information Commissioner. So we have to just depend on such people with integrity who bring out innovation and try to, you know, strengthen the RTI Act. I have been asked to, you know, speak for about 20 minutes. So actually, you know, I would really appreciate, I can go on talking about it, but instead of this mono lecture, it would really help if you all have any doubts, you want to have any questions, and we can have a nice interactive chat. That's what I feel.